आज जब मैं अपने पहाड़ वापस आया, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे सुकून का समय बिताया। याद है वो दिन जब हम फूल देई छम्मा देई करते लोगों के घर घर जाते और वो आग के चारों ओर कैसे घूम घूम के होली गाते। खो गए हैं वो दिन, खो रहे हैं वो त्योहार, जब से हमारे सर में शहरों का शोर हुआ है सवार। आज जब मैं अपने पहाड़ वापस आया, सुकून से बढ़कर और कुछ नहीं होता, ये मुझे अपने पहाड़ अल्मोड़ा ने सिखाया। सो गाइस, ये है मेरा अल्मोड़ा। पथरी हो रही है तो मैं बियर सूख दे रहे वहां। हाय गाइस, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आपकी तरह एक सिंपल बंदा जो जॉब के साथ साथ ट्रैवल कर रहा है। और आज मैं आया हूँ अल्मोड़ा। जैसा कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा कि मैं हल्द्वानी से अल्मोड़ा आया था और कैसे यहाँ पहुँचना है वो सारी डिटेल मैंने उसमें बताई थी और कैची धाम के बारे में भी बताया था। और आज फिलहाल मैं जिस होम स्टे में रुका हूँ, यहाँ के आसपास की चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो है बिनसर। बिनसर बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ, ये पूरा ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही आता है, तो आपको यहाँ बर्ड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही साथ में यहाँ से जो बिनसर का एंट्री पॉइंट है वो भी काफ़ी नज़दीक है, 20-25 मिनट की ड्राइव है। उसके बाद फिर आपको एक ट्रैक करना पड़ता है छोटा सा, जो कि 1-2 किलोमीटर का ट्रैक है। उसके बाद वहाँ पर एक जीरो पॉइंट है। तो जीरो पॉइंट बेसिकली क्या है, वहाँ से चारों ओर जो हिमालयस की रेंज है काफ़ी अमेजिंग दिखती है। अगर आज वेदर साफ रहा तो काफ़ी अच्छा लैंडस्केप व्यू आपको देखने को मिलने वाला है। और अभी हम जाएंगे वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। और ये वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको कसार देवी भी घुमाने वाले हैं। तो बेसिकली कसार देवी काफ़ी फेमस टेंपल है यहाँ पे, और वहाँ की जो व्यू पॉइंट है वो भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फेमस है। यहाँ पे लोग आते हैं तो अल्मोड़ा कसार देवी ज़रूर जाते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना ना भूलें। और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे सीधे बिनसर के लिए। दादी आगे है। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज खाने में क्या है? आज है भाई रोटी सब्जी पराठा। पराठा है हाँ। और ये आलू और गोभी, आलू गोभी की सब्जी और चाय। वाह यार, मतलब ऐसे पहाड़ों में ऐसी जगह पे खाने को इस तरह से लकड़ी के टेबल में मिल जाए साला, और क्या चीज़ जिंदगी में यार। और चिड़ियों की आवाज़ और आ रही है, बताओ। ये कोयल है। कोयल है, कोयल की मीठी बोली है। कुकु कुकु, कोयल सी तेरी बोली। हम तो बहुत देर में सो गए। हाँ कह रहे हैं, फिर जल्दी उठने की आदत है। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं बिनसर के लिए और हमारे साथ आज हमारे दादी और दादी, क्या नाम हुआ आपका? मनोज बिस्टे। मनोज जी आ रहे हैं हमारे साथ, बिज जी। तो ये हमारे आज के लिए गाइड हैं क्योंकि हमने देखा नहीं है बिनसर, तो आज ये लेके जाएंगे हमें जीरो पॉइंट तक। कितना चलना पड़ेगा मनोज जी? वहाँ से होटल से कम से कम डेढ़ किलोमीटर के करीब। 1-1.5 किलोमीटर, ये ज़्यादा नहीं है, मतलब अपना वही 20-25 मिनट, आधा घंटा लगेगा या दो, एक घंटा लग जाएगा मैक्सिमम। धूप है तो थोड़ी सी ना। हाँ, एक घंटा मान के। तो वहाँ बीच में भी है ना, थोड़ा हल्का। अच्छा, थोड़ी सी ऊंचाई भी है। ओके ओके, वहाँ बीच में पानी वानी की दुकानें हैं कुछ? हाँ है। चलो बढ़िया, खाने पीने की व्यवस्था भी है तो अपना आराम से जा सकते हैं। हालांकि मैं तो रिकमेंड करूँगा अर्ली मॉर्निंग निकल जाना चाहिए अगर व्यू अच्छा देखना है तो। हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि मेरे दोस्त भी आए थे ना कल मिलने के लिए, तो वो लोगों को सुबह मुंशियारी निकलना था, तो उनके साथ मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तो वो लोग निकल गए थे सुबह अर्ली मॉर्निंग मुंशियारी। अगर वो नहीं होते तो हम लोग भी अर्ली मॉर्निंग ही निकल जाते हैं बिनसर के लिए। तो चलो कोई नहीं, अभी ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं बढ़िया करके, अब सीधे यहाँ से हम गाड़ी लेके निकलते हैं बिनसर को। सो गाइस, ये हम लोग पहुँच गए एंट्री पॉइंट पे। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है एंट्री के लिए। मैं टिकट के बारे में बताता हूँ आपको कि क्या टिकट है क्या नहीं है, बट मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। ये ऐसे यहाँ पे गेट है, अगर आप 4-व्हीलर लेके आ रहे हो, 2-व्हीलर लेके आ रहे हो, तो थोड़ी सी रोड है आगे तक, तो आप पैदल जा सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना ये बैठने के लिए जगह भी है और एक छोटी सी शॉप भी है यहाँ पे, तो संग्रहालय भी ऊपर। अच्छा, संग्रहालय भी ऊपर है, तो अच्छी बात है। तो उसका टिकट यहीं मिलता है ऊपर ही? यहीं पे। अच्छा, तो म्यूजियम अगर आपको जाना है तो उसका भी टिकट आप यहाँ पे ले लें अगर म्यूजियम में इंटरेस्टेड हो तो। अभी हमारे बिजी जो है वो टिकट लेने के लिए गए हुए हैं, तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हार्डली 15 मिनट का रास्ता होगा, क्यों? जनोक से। जनोक से यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से 15 किलोमीटर ऊपर। 15 किलोमीटर, 15 मिनट का। अच्छा, 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से, कोई टेंशन नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो।
तो गाइस जहाँ से हमने टिकट लिया था ना वहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाके यहाँ पे एक अमेजिंग बुग्याल सा है छोटा सा, और यहाँ पे कैफे भी है, और साथ ही साथ में यहाँ पे एक भोलेनाथ का मंदिर है, एक नौला भी है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, नीचे भोलेनाथ के भी दर्शन करेंगे और आपको नौला भी दिखाऊंगा कैसे नेचुरल वे में पानी निकलता है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी जगह है। मतलब आप आगे यहाँ पे 5 मिनट रुक के टाइम स्पेंड कर सकते हो, यहाँ पे कैफे भी है बहुत अच्छा। अच्छा, अलग अलग मंदिर होंगे ना, भैरव का अलग ही आता है। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया यार, ये गांव वालों के मंदिर होंगे ना पुराने। इधर ऊपर पुराना जेल है। अच्छा अच्छा, अंग्रेजों के जमाने का जेल। बहुत बढ़िया, मतलब यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है, और प्लस कैफे भी है इतना बढ़िया यहाँ पे। सो गाइस ये है वो नौला, प्राचीन नौला जिसकी मैं बात कर रहा था। अरे अरे अरे, गए हो गौ माता, आपकी भी जय हो। ये है वो नौला दोस्तों, 1902 सन का नौला है, काफ़ी पुराना है और इसमें अभी भी पानी आता है, ये देखो। तो ये पानी जो है ना, ये प्राकृतिक रूप से आ रहा है, ऐसा नहीं कि किसी ने भरा है इसके अंदर, ये ज़मीन से ही निकलता है पानी। हाँ, अब कहते हैं वैसे नौले का पानी बहुत शुद्ध होता है और मीठा भी होता है, बट अब तो इस पानी को कोई नहीं पीता होगा मेरे अंदाज में। बोतल नहीं लाया हम, भर लेते थोड़ा। अच्छा, पीते लोग अभी भी इसको? अच्छा। सो गाइस यही था यहाँ पे नौला और शिव मंदिर और कैफे, आप लोग चाहो तो यहाँ पर रुक के एंजॉय कर सकते हो, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं सीधे ऊपर बर्ड लाइफ सेंचुरी में 0 पॉइंट देखने के लिए। सो गाइस वहाँ से तकरीबन अप्रॉक्स आधा घंटा लग गया, बिकॉज बीच में रोड भी आपने जैसे देखा होगा ख़राब थी, और चढ़ाई भी थी और मोड़ भी थी, बहुत खतरनाक रोड है। अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर ना हो तो मत आओ, टैक्सी ड्राइवर को लेकर आना, और साथ में यहाँ पे छोटी सी पार्किंग की जगह है, यहाँ हमने गाड़ी लगा दी है, अब यहाँ से जो है अपना पैदल मार्ग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक पानी की बोतल ज़रूर रखे लाना, बट प्लास्टिक की बोतल मत लाना, यूज एंड थ्रो वाली बोतल मत लाना। बाकी ये जो लाल लाल फूल आपको दिख रहे हैं, ये बुरांस के फूल है, मैंने अपनी नागतिब्बा वाली वीडियो में बताया था इसके बारे में, इस फूल के बारे में, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कितना हेल्दी होता है, उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर देखें उस वीडियो को, नागतिब्बा ट्रैक है उसमें। और ये बेसिकली यहाँ बहुत ही जंगल में मिल जाते हैं, इसका जूस बनता है वैसे, काफ़ी मीठा होता है। तो विजय का जोड़ा बताओ जरा, यहाँ कौन कौन से जंगल में क्या क्या पेड़ हैं, क्या है यहाँ पे खास? जैसे बांज हो गया वो सामने, जिसमें खाल, क्या कहते हैं, काई, 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 काई है, नहीं, अच्छा, नहीं, ये बांज है। अच्छा अच्छा, और बुरांस हो गया, बुरांस तो बहुत है यार। हाँ, बुरांस बहुत है, और ज्यादातर बांज के पेड़ है ना, तो बांज के पेड़ से तो बहुत पानी निकलता है जड़ों से ना, यहाँ से लोग आज अपने दिनचर्या चलाने के लिए जो जंगल में आते हैं तोड़ के ले जाते हैं। अरे, लकड़ी उकड़ी? हाँ, लकड़ी भी तोड़ के जाते हैं, बुरास भी ले जाते हैं। अच्छा, उसका जूस निकालने के लिए अल्मोड़ा ले जाते हैं फिर। अच्छा अच्छा, फिर मतलब वो एक तरीके का जूस निकाल के फिर अपना बेच देते हैं, या फिर रोजी रोटी के लिए यूज कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, तो यही है जो है सब दिख रहा है आप। और यहाँ जानवर कौन कौन से हैं अभी, जानवर कुछ आइडिया? मोटा 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 बाघ लगा लो, टाइगर, बाघ तो थेरा ही। हाँ, उसके अलावा भालू वालू भी है क्या? भालू, भालू तो नहीं है। अच्छा, भालू नहीं है। सुअर हो गए, सॉल हो गया। अच्छा, सॉल, अच्छा, वो कांटे वाला जो होता है, कांटे वाला जो था। हाँ हाँ हाँ, और वो क्या जंगली बकरियां होगी, वो क्या कहते हैं उनको, नील गाय होगी, नील गाय होगी, बकरी वो तो जंगली बकरी। हो गया तुम्हारा, मुर्गी होगी। हाँ, मुर्गी तो तीतर भीतर भी दूंगा। हाँ, तीतर भीतर, और बहुत मुनार भी है यहाँ पे। अच्छा, मुनार है, ज्यादातर अंधेरे में टाइप में दिखते हैं ऐसे दिन में, मतलब सुबह के अर्ली मॉर्निंग आओ या फिर शाम को आओ अंधेरे के टाइम पे ना, हल्का हल्का अंधेरे। यू आर नाउ एंटरिंग स्ट्रेस फ्री जोन। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि आप नो नेटवर्क और ऐसे इलाके में आ गए हो जहाँ पे सिर्फ आपको नेचर ही नेचर मिलेगा, चिड़ियों की चहचहाट वगैरह। और इसी से मुझे एक कोट भी याद आता है कि नेचर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस। तो आप कभी भी परेशान हो जिंदगी में, नेचर के पास बैठ जाओ कुछ टाइम, एक दो दिन बिताओ भाई साहब के होम स्टे में आके, दो चार दिन बिताओ, जिंदगी का आपको पूरा परम सुख मिल जाएगा है। नहीं, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर आप आते हो ऐसे टाइम पे तो आपका माइंड जो है ना बहुत काम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इवन मंथ में एक बार तो ऐसी जगह जाना ही चाहिए यार, है ना, जो आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल हो गई है उसकी, उसके उसके हाँ उसके लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, धीरे धीरे चल रहे हैं गप्पे मारते मारते। तो देवदार भी है यहाँ पर, ठीक है, देवदार की भीड़ भी है। हाँ, ये है सामने, कहाँ है दिखाओ, ये वाला है, इसमें ये जो क्रिसमस ट्री टाइप का है। हाँ, अच्छा, ये देखो, हाँ हाँ हाँ, वही क्रिसमस और निंगल है, इसमें बैम्बू है।
बेम्बू, अरे ये भी तो है बेम्बू, कुछ ग्रीन वाली है कुछ ब्लैक वाली है। हाँ, यही तो बेम्बू कह रहा था मैं, जो वो आजकल घरों के अंदर शोपीस में नहीं लगाते हो, ये वही वाली पानी के अंदर, ये निंगो, हाँ, उसको हम पहाड़ी में निंगो, निंगो, अच्छा पहाड़ी में निंगो बोलते हैं। स्कूल में बेसिकली पैसे पहले इसकी कलम बनती थी। सही बोला ठीक है, थोड़ा बहुत जी हमें शॉर्टकट शॉर्टकट ले आ रहे हैं, लोकल लोकल आदमी के साथ आने का ये फायदा होता है, देख लो भाई। हाँ। सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, है। उन्हें को तो गाड़ी आ ही सकती है लेकिन मैंने बोला। अच्छा यहाँ यहाँ वो भी होता है क्या, जॉक होती है, वो तो बरसात में एक जड़ी बूटी होती है ना पथरी में खाते हैं, तिलचट्टा बोलते हैं, सिल्वर सिल्वर सिल्फर सिल्फर की जड़, सिल्फर की जड़, हाँ सिल्फर की जड़ भी होती है तो यहाँ भी होती है। अच्छा पत्थर चट्टा भी बोलते हैं ना उसको, पत्थर चट्टा, वैसे हिंदी में पत्थर चट्टा बोलते हैं, कुमाऊँ में सिल्फर की जड़ बोलते हैं, सिल्फर की जड़, अच्छा पहाड़ी पत्थर की साफ जाती है ना। आजकल के तो लोग बियर के हिसाब से चल रहे हैं, फिर पत्थर चट्टा बंद हो रहा है, कह रहे हैं पत्थर पथरी हो रही है तो वह बियर सूख दे रहे वहाँ। चलो बढ़िया, पीने के बाद भी कह रहा हूँ प्रेशर नहीं मिलने वाला। ऐसी है भाई। सो गाइस चलते चलते हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी यहाँ पे, इन लोगों ने क्या करा हुआ है कि जो ये जो टायर वगैरह होते हैं ना, इनको बिल्कुल प्रॉपर ऐसे उसमें डाल के थोड़ा सा ना दिखने में अच्छा लगे, और यहाँ पर ऐसे बैठने के लिए काफ़ी पत्थरों से चिनाई करके बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में, ये देखो आप मिट्टी का बनाया हुआ है, मिट्टी से और पत्थरों से चिनाई करके, जब थक गए हो ना थक के लिए आराम फरमाने के लिए, आराम फरमाने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग आ रहे हो ना तो अपना लंच पैक करके ले आओ, आराम से यहाँ बैठ के खाओ, बस गंदगी मत करना बाकी तो जो भी है, और आराम से बैठ के खाओ, आराम से घूमो फिरो और शाम को वापस चले जाओ, इससे बेस्ट हो नहीं सकता। रास्ते में हमें कहीं प्लास्टिक ही मिला सिर्फ ये बोतल के अलावा। ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे कि भाई जो जो लोग यहाँ आए हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ प्लास्टिक नहीं फैलाया, और जो आने वाले हैं उनको भी यार प्लास्टिक बिल्कुल नहीं फैलाना है। अभी तक हमें एक भी बोतल नहीं दिखी थी, एक दिखी थी छोटी सी, वो मनोज भाई ने उठा ली है, मनोज भाई दिखा दो एक बार। हाँ तो ये हमें एक छोटी सी बोतल दिखी थी, हमने उठा ली, और आगे तो कोई भी आशा है कि ना मिले, बट आप भी जब भी आ रहे हो तो कोई भी प्लास्टिक यहाँ ना फैलाएं, स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छता बिल्कुल जरूरी है यार। सो गाइस थोड़ा सा और चलने के बाद 0 पॉइंट आ गया है, तो वैसे तो रास्ता ये जा रहा है, बट वही हमारे गाइड साहब शॉर्टकट ले आ रहे हैं, तो हम लोग शॉर्टकट से पहुँच रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको 0.1 किलोमीटर, चल जाऊँ पहले, ये देखो साहब ये है सामने 0 पॉइंट, यहाँ पे बैठने का भी बना रखा है बढ़िया, आके आप आराम से बैठ सकते हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप आ रहे हो तो मेडिटेशन भी कर सकते हो, बहुत शांत इलाका है, पिन ड्रॉप साइलेंस एकदम, बहुत बढ़िया व्यवस्था करी हुई है बैठने की यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ग्रुप लेके आ सकते हो आप, बढ़िया फैमिली के साथ आओ, पिकनिक विकनिक करो और बढ़िया नेचर का आनंद लो, बेस्ट जगह यार आने के लिए, अगर आप अल्मोड़ा साइड आ रहे हो तो पक्का आना यहाँ बनता है। तो चलिए देखते हैं, पहले माले से देखते हैं क्या व्यू पॉइंट है, फिर दूसरे माले में चलेंगे। पत्थर से बनाया हुआ ये सब पहाड़ की कारीगरी है, वाह। आज थोड़ा धुंध लगी हुई है, नहीं तो यहाँ से जो हिमालयंस की रेंज दिखती है ना बहुत अमेजिंग लगती है, मैंने फ़ोटोज में देखा हुआ है, अगर मुझे कोई फ़ोटो मिलेगी तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, स्क्रीन में फ्लैश हो रही होगी आपके। तो चलिए अब दूसरे माले में चल के देख के आते हैं कैसा है माहौल, ऊपर से क्या व्यू है, वैसे व्यू तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा लेकिन ऊपर से थोड़ा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है ना, एंगल चेंज हो जाता है, तो लेट्स सी। हमारे बिज्जी पहली पहुंच गए ऊपर, ये बिज्जी अपना अपनी वीडियो की तैयारी करते हुए एकदम, धन्यवाद बिज्जी बहुत बहुत आपका, बिल्कुल सर। ये देखिए यहाँ से, अरे वाह यहाँ से तो और शानदार लग रहा है यार, यहाँ से बहुत शानदार लग रहा है, नीचे से तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब अगर धुंध नहीं होती तो फिर मज़ा ही आ जाता क्यों। सो बस फिर थोड़ा बहुत यहाँ हमने फोटोग्राफी वगैरह कर ली है और वीडियो वीडियो शूट कर ली है, थोड़ा बहुत बैठेंगे अभी, थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह करेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे अपने होम स्टे में, और फिर वहाँ से नेक्स्ट जो है कसार देवी का प्लान है। तो आप इस वीडियो में बने रहे क्योंकि आगे जाके आपको एक इंटरेस्टिंग कसार देवी का व्यू पॉइंट मिलने वाला है, और एक अमेजिंग बोलते हैं कसार देवी इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक पावर है, तो काफ़ी लोग बाहर से इवन अब्रॉड से भी लोग वहाँ पे मेडिटेशन करने आते हैं, तो बहुत ही अमेजिंग वाइब्स है वहाँ पे, तो वो सारा मैं एक्सप्लोर करूँगा, आप ज़रूर मेरे साथ बने रहें, वीडियो को आगे तक देखते रहें, अगर पसंद आ रही तो आगे शेयर करें, जो भी क्वेश्चन है क्वेरीज कुछ भी हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस टूर से रिलेटेड आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस हमने थोड़ा बहुत बैठ के यहाँ पर रेस्ट वेस्ट कर लिया, काफ़ी मज़ा आया, मस्त एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं,
तो अभी फिलहाल मुझे एक अच्छी बात यहाँ पे बताई बिजी ने कि ये जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना तो पीछे, ये स्ट्रक्चर अभी का नहीं बना हुआ है, अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है। दूरबीन अच्छा, तो मतलब यहाँ से अपना दूरबीन से पूरा अपना गांव देख रहे हैं भैया क्या चल रहा है गांव में। तो ये है उस टाइम से अंग्रेजों के जमाने से, अब जाके थोड़ा रेनोवेट कर दिया। सो गाइस आपको एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ, ये जो चीज़ है ना जिसे हम घिसरी बोलते थे बचपन में, और इसको हम घुमाने वाले थे इसमें तिल्ली डाल के ऊपर से और ऐसे करके फिर फुर घुमाने वाले थे। बांस का ही हुआ है? हाँ अच्छा बांस का है, बांस का बीज हुआ है। अच्छा ये है ना, ये निकालते थे हमें। अच्छा ये कवर के अंदर से निकल रहा है ये ऐसे करके ना, ये वाला इसमें डाला तिल्ली यहाँ से फिर घुमाया फिर फिर ऐसे करके घुमाया, और इनको हम अंगूठियों में कवर ये लगा लेते, ये वाला नहीं किया फिर हमने। हम सिर्फ वो तिल्ली से घुमाने वाले थे इसको बचपन में। ऐसे ही होता है यार, अपने नेटिव प्लेस में हमेशा विजिट करना चाहिए एक बार, काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं।